आठ बजने के सेवन सेवन थर्टी ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं जल्दी चाहिए तेरे को लेट नहीं नहीं 7:30 ब्रेकफास्ट उसका बैक लंच भी तो होगा ना बैक लंच तभी साथ ही लग जाता है ऑलमोस्ट कितना देर लंच का होगा 15 मिनट 20 मिनट ठीक है 7:30 ब्रेकफास्ट है आपका 8 o'clock आप लोग यहाँ रेडी हो जाना मैक्स यहाँ से 8:30 निकलना 8:30 निकल जाना जो कल का रूट है यहाँ से आप बस से आ रहे थे चेक पोस्ट मिला आपको यहाँ तो चेक पोस्ट नहीं क्रॉस करना है आप चेक पोस्ट क्रॉस करोगे तो ले चले जाओगे ना आपको लेफ्ट लेना है पर वहाँ पे जाके सबको मिलके खड़ा होना है क्योंकि वहाँ पे एक साथ एक बार रूट में सब आ गए तो फिर तो एक ही रूट है ठीक है वहाँ जाके वो स्तूपा के पास लेफ्ट टर्न करके खड़ा होना है फिर सब इकट्ठे होकर फिर निकल सोलह किलोमीटर जैसा होगा फ्रॉम स्तूपा और बीच में आपका ये रोलिंग टेरेन जैसा है रॉकआउट गार्डन में आपका वही है बहुत बढ़िया रिसोर्ट टाइप का है वो और सिद्धू नदी के एकदम साथ है और वहाँ पे 2000 साल पुराना रॉकआउट वो डिजाइन किया हुआ था करके बोलते हैं वहाँ पे आपको एप्रिकॉट ऑयल प्योर मिलेगा खरीदने को वो वैसे चारों तरफ दो तीन जगह बट वो बहुत मेन जगह है बहुत ही मेन एरिया है वो तो वहाँ पे एप्रिकॉट ऑयल फॉयल आपको अखरोट प्योर मतलब अच्छा क्वालिटी का अखरोट वो सब मिलेगा खरीदने को और सही रेट्स में मिलता है वो भी आप देख सकते हो वही रॉकेट गार्डन में थोड़ा देर करने के बाद बैठने के बाद वहाँ पे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स जाता है हमारा क्योंकि वहाँ से कैंप सिर्फ 7-8 किलोमीटर ही है अराउंड 7-8 हल्का एक चढ़ाई है फिर पूरा डाउन फिर एक हल्का लास्ट चढ़ाई है जो दम निकाल देगा आपका और लास्ट में आपको कैंप मिल जाएगा ठीक है जब एंड में आप सोचोगे भैया और नहीं हो रहा है आप देखोगे कैंप सामने आ गया कल का कैंप कैसे पता चलेगा आपको कल आप जैसे दोमकर क्रॉस करके वो रॉकेट गार्डन फाटन सब हो जाएगा वहां से फिर आप जब नीचे आप मतलब डाउन हिल करके लास्ट एक टर्न आएगा आपको दिखेगा इस साइड पे मोनेस्ट्री दिखेगा बढ़िया सा मोनेस्ट्री ठीक है राइट हैंड साइड पे तो राइट हैंड साइड में आप मोनेस्ट्री देखोगे और सामने एक बैनर जैसे उसको थोड़ा और 50 मीटर जाओगे एक सामने बैनर दिखेगा स्कूल नहीं स्कूल तो आगे बढ़ जाते हैं हाँ कंपोर्टेबल को स्कूल पता नहीं कि वहाँ पे स्कूल है वो एक बस बैनर दिखेगा आपको ब्लू कलर का हमारा वाई चेक का बैनर दिखेगा आप उधर वहाँ से अंदर राइट हैंड साइड एंटर करके 200 मीटर में आपका कैंप आ जाएगा वही मेन है मोनेस्ट्री और वो जगह का नाम क्या है गाँव का स्कूल भूचन उसका गेट में नहीं एंटर करना है उसके नेक्स्ट जो राइट हैंड साइड टर्न है सीधा एक रास्ता अंदर आप वहाँ पे ग्रीनरी देखोगे एक छोटा सा पहाड़ टाइप का देखोगे वहाँ पे घर पर है वहीं उसके बेस में कैंप बना हुआ डायरेक्ट है क्या कैंप हमारा टेंट दिखता है टेंट दिखेगा हाँ टेंट एक तो दिखेगा नीचे तो वो आपका कल का कैंप साइट है ठीक है अच्छा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है ठीक है और दूसरा चीज़ है आप लोग इसका नंबर रखो उसमें है आपके पास अभी मेरा नंबर है तुम्हारा नंबर है ना मेरा हाँ ऐड हो गया ठीक है तुम उसमें लोकल नंबर नहीं अरे तेरा व्हाट्सएप तो चल और अपना लोकल नंबर डालो उसमें लोकल नंबर अपना अपना भी डाल दो जो नंबर तुम्हारा कॉल में भी चलेगा बहुत जगह हाँ तो तेरा रूट में चलेगा ना मेरा रूट वाला दे नंबर वो ऐड कर देना मेरा नंबर भी है ठीक है और तिवारी जी का है वो जो मैकेनिक है हमारे उनका नंबर हम डाल देंगे उनका लोकल नंबर डाल देंगे मेरे पास है उस ग्रुप से डाल देंगे ठीक है और कैंप साइट लोकेशन भी डाल देंगे गूगल मैप्स वाला ठीक है
बट मेन है आपको याद रखना क्या करना है, स्कूल बुचन जाना है, स्कूल बुचन और बैनर लगा रहेगा, यू कैन नॉट मिस इट। ये कल का आपका है और कल कैब साइट बहुत ही सुंदर है, एप्रिकॉट विलेज। एप्रिकॉट पता है क्या कितने में कैसा कलर? पीच कलर और बस एक ही चीज आप लोग ध्यान रखना सेफ्टी का, बार बार हम बोल रहे हैं आपको कि आप अपना और साइकिल का दोनों का सेफ्टी रखना है। ऐसा जगह साइकिल रखो जहाँ गाड़ी उसे ना मारे। आप लोग बोला सर सुला के रख सकते हो, रास्ते पे सुला दोगे तो गाड़ी जाएगा उसके ऊपर से, टायर जला जाएगा। ऐसा क्लिप एज पे रखोगे हवा आएगा, आपने सोचा अभी तो ठीक है हवा आया और साइकिल गिर गया नदी में, फिर आपका बैग गया, साइकिल गया, सब गया, ट्रिप गया, वैसे उल्टे 40,000 देने पड़ेंगे। ठीक है साइकिल कैसा मत कर। और दूसरा चीज है कोई भी रास्ते में आपका मुस्लिम इलाका भी आएगा, ठीक है, कारगिल साइड वाला जो चिकतान और शकरदो बोल के जो हमारा कैंप है, ठीक है, वो बुद्धिस्ट एरिया भी आएगा। कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आपको किसी के साथ, गांव वालों के साथ या अपने अंदर बात नहीं करना है। नो पॉलिटिक्स, नो रिलीजन, नो एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, ठीक है, इन कैंप बोथ 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 एंड से, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ, गांव वालों के साथ, हाँ भाई किसको वोट दिया, ये क्या किया, वी डोंट वॉन्ट दैट ऑन द रोड, ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं, आराम से हाय हेलो बाय करो, फोटो वोटो लो, चलो आगे और क्या है। अच्छा सेंसिटिव एरियाज, आर्मी, आर्मी का काफ़ी आपको यहाँ पे कैंप और चेक पोस्ट और वो सब मिलेगा और आर्मी वाले मिलेंगे। प्लीज़ आप आर्मी एरिया का फोटो मत लो, ठीक है, मत लो, क्योंकि वो आप लोग कहीं यूज़ करोगे, पोस्ट करोगे, इट कैन मिस यूज बाय अवर एनिमी कंट्री या जो भी जिसको बदमाशी करते हैं, ठीक है, ट्राई टू अवॉइड। कोई भी नेम प्लेट वाला बंदे का फोटो मत लेना आर्मी वाला, ठीक है, फोटो चेहरा नेम प्लेट कैन बी मिस। और ब्रिज का भी फोटो कम लो, आर्मी ब्रिजेस का तो फोटो कम लेना आपको, ठीक है। और पानी आपको जो दोमकार वाला जहाँ लंच पॉइंट है 16 किलोमीटर फ्रॉम द ये स्तूपा थलसी से, इट्स प्योर मिनरल वाटर, ग्लेशियर वाटर है, वहाँ लंच पॉइंट जानबूझ के लगाया हमने, क्योंकि आप आराम से वहाँ पे आधा घंटा 40 मिनट एक घंटा बैठ बिताओ, खाना खाओ, बैठो, पानी पियो, उस स्ट्रीम का पानी ऐसा पी सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, पूरा प्योर वाटर है, कुछ नहीं होगा, पेट खराब हो जाएगा, उल्टा खाना हजम होगा। ये जो पानी आता है ना हिमाचल में, लद्दाख में, ये सब हम इसको जड़ी बूटी वाला पानी बोलते हैं। क्यों जड़ी बूटी वाला पानी क्यों बोलते हैं? जब ग्लेशियर मेल्ट होता है पानी आता है पत्थर के ऊपर से, मिनरल के ऊपर से, हर्ब्स के ऊपर से, तो वो थोड़ा सा उसका जो अच्छा गुण है उसको साथ में ले आता है। तो वो मैं पहली बार जब लाइफ में यहाँ हिमाचल आया, मैं घर में 4 रोटी खाता था, पहला दिन मैं 8 रोटी खाया यहाँ पे कुल्लू में, पहला दिन मैं 8 रोटी खाया। फैमिली कैंप का मैं कैंप लीडर था, 6 दिन के लिए था, कोई दूसरा काम नहीं था, फैमिली कैंप का खाया, पर मुझे लग नहीं रहा कि खाना खाया, वो पानी और वो एटमोसफियर जबरदस्त था, तो इसीलिए आज तक यहीं पर घूम रहे हम लोग, ठीक है। एनीवे तो कल आपका कैंप सेट बहुत सुंदर है, और कैंप कभी भी गंदा मत करना, आपने कुछ खाया पिया उसको फेंका नहीं, ऐसा फेंकना नहीं है, वेपर वेपर अपना पॉकेट में रख लो, बाकी डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। टेंट भी साफ रखना है, क्योंकि आप पहला ग्रुप गया उसको झाड़ पड़ा यहाँ पे हेनिस्कोट में, टिश्यू पेपर वेपर पूरा सारा फेंक कर जा रहा था रूम पे, एंड इट्स अ टूरिज्म बंगलो, ठीक है, तो बाद में हमारे ऊपर है, वो देगा नहीं बंगलो, नेक्स्ट टाइम वो इंस्पेक्ट करने आएगा, वो देगा नहीं हमें, बोला आपका तो गंदा करके जाते हो आप, हम क्यों दे आपको, ठीक है, क्योंकि उनको बाकी ऑफिशियल्स भी आते रहते हैं उस जगह पे। तो आप कैंप जब भी जाओगे, टेंट स्पेशली टेंट अगर है तो जस्ट कंबल निकालना, बाद इसको ऐसे ऐसे झाड़ना है, लगा देना है, खत्म, और बाकी प्रेपर प्रेपर जो भी आसपास पड़ा हो टेंट पे उसको उठा दे, 2 सेकंड का काम है, और सब लोग मिलके करेंगे तो और अच्छा, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे को करना है ना। अभी उसमें कल आज ही ग्रुप में एक बंदा था, उसको दूसरे बंदे ने उसको मेरे को पॉइंट आउट किया कि कल आपने तो चॉकलेट रैपर फेंक दिया, अब उसका मेंटेलिटी देखो क्या है, बोला अरे सर एक बार फेंका क्या हुआ, मेरे को मन कर रहा था थप्पड़ मारूं उसको वहीं पे, ठीक है, अभी को सब लोग बिल्कुल नहीं ये सहते कि कोई ऐसा चॉकलेट एक भी रैपर फेंक दिया या क्या हुआ, मैं फेंका तो क्या हुआ, एक आदमी फेंका तो क्या हुआ, ऐसा तो 50 आदमी हमारा 100 का
ग्रुप है 100 आदमी रैपर फेंकेगा तो क्या होगा, है ना, गंदा ही होगा वो भी तो। और बाकी लोग भी, बाकी जो हम लोग फिर से आएंगे अगले साथ, बोलेंगे आपका ग्रुप तो गंदा करके जाता है, हम क्यों आपको जगह दें, हम क्यों आपको परमिशन दें, है ना। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखना।